भक्त के लिए भगवान सर्वस्व हैं और भगवान के लिए भक्त निष्काम प्रेम का प्रतीक है ये बंधन। ईश्वर करे ऐसी निष्काम प्रेम भक्ति सब में सर्वदा बनी रहे। एक सुबह एक नन्ही सी तितली ने जन्म लिया। जिस वाटिका में उसका जन्म हुआ था वहां कई और तितलियां उड़ती रहती थीं। लेकिन इसका कोई रंग नहीं था, इसलिए बाकी की रंग बिरंगी तितलियां इसकी ओर देखती तक ना थीं। वो इससे घुलती मिलती नहीं थीं। इसलिए ये बेचारी बहुत दुखी और उदास रहने लगी। एक दिन ये नन्ही तितली सो रही थी कि वर्षा होने लगी। जब वर्षा की एक बूंद इस पर पड़ी तो इसकी नींद खुल गई और अचानक इसने बादलों में से सूर्यदेव को निकलते देखा और साथ ही खूबसूरत रंगों भरे इंद्रधनुष को। सोचने लगी, आह कितना सुंदर है इंद्रधनुष, इन सब तितलियों के पास भी इतने सुंदर रंग नहीं है। उसने जाकर इंद्रधनुष को छू लिया और वह खुद इंद्रधनुषी तितली बन गई। खुशी से फूली ना समाई ये तितली, मानो अपने आप में खोसी गई अपना अद्भुत रूप देखकर। सोचती, किसका धन्यवाद करूं, क्या मैं भी इंद्रधनुष नहीं हो गई। आनंद में भरी भरी वो हल्की फुल्की सी मानो तैरने लगी हवा में। वाटिका के सब फूल और तितलियां भी उसे सराहते थकते न थे, कहते, हमने आज तक इतनी सुंदर तितली नहीं देखी। ऐसी ही होती है ब्रह्मानुभूति। तभी शास्त्र कहता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का स्पर्श यानी अनुभूति पाने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। प्रेम स्वरूपी आत्मस्वरूपी सभी को नमस्कार। ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് വന്നതും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് യാത്രയാകും ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളാകട്ടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നു, ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പുഞ്ചിരിയോടെ പോകാൻ സാധിക്കണം. കൃഷ്ണൻ്റെ മായാത്ത പുഞ്ചിരി അതിന് പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ. വൃന്ദാവൻ കെ എക് ഗാവ് മേ അനേക് പ്രകാർ കെ വ്യവസായി രഹതെ തേ. നീർജ നാമക്
एक गोपी जुलाहों के घर ब्याई गई। एक साधु परिवार था जहां नीरजा की शादी हुई। कपड़ा बुनकर उसका पति थोड़ा बहुत कमा लेता था। नीरजा को भी काम सिखा दिया। कृष्ण को पीत वस्त्र प्रिय हैं वो जानती थी। इष्ट अनिष्ट से परे भगवान के बारे में भक्तों को सोचकर ये सुख मिलता है, उन्हें ये प्रिय है वो नहीं। मृतक का रंग पीला पड़ जाता है। वो देह भाव से परे हैं इस तत्व का परिचय देता है कृष्ण का पीतांबर। नीरजा को जब से ये पता लगा वो हमेशा भगवान को ऐसे वस्त्र पहना रही है ये सपना देखती थी। तो नीरजा ने अपने आंगन में सुंदर बगिया बनाकर रंग बिरंगे फूल लगाए, जिन्हें बाजार में बेचा। उन पैसों से धागा खरीदा। उसके पास जितने सोने के गहने थे उन्हें बेचकर उसने सोने की तार खरीदी। उस तार से अपने हाथ से कढ़ाई करके सोने का सुंदर सा बॉर्डर बनाया। भगवान का जन्मदिन आने वाला था। उससे एक दिन पहले वो कुछ खरीदने बाजार गई तो थोड़ी देर हो गई। भगवान को कुछ भेंट देने के लिए खरीदारी करने गई थी। पति जरा गुस्सैल था। अगली सुबह वो चूल्हा जलाने के लिए पड़ोस के घर से आग लेकर आ रही थी कि पति ने क्रोधित होकर जोर से धक्का दिया और आनन फानन में गालियां देने लगा। धक्का दिया तो नीरजा गिर पड़ी। जलती लकड़ी उसके हाथ से छूटकर झोपड़ी के ऊपर जा गिरी। जोरों की हवा चली और झोपड़ी में आग लग गई। नीरजा को अब बहुत दुख हुआ क्योंकि कृष्ण के लिए प्रेम से बनाए वस्त्र अंदर झोपड़ी में रह गए थे। पीत वस्त्र दिखाई न दिया, जल गया ये सोचकर अब उसका दिल भी टूट गया। कृष्ण का जन्मदिन है कल, मैं क्या करूं समझ नहीं आता। भगवान से मिले बिना रह भी तो नहीं सकती। तुलसी के पत्तों का हार गूंथने लगी। उसके आंसुओं से वे पत्ते भीग गए। मनसा प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने आपको जो वस्त्र पहनाने के सपने दिन रात बुने थे वे जलकर राख हो गए। मुझसे क्या भूल हो गई, क्षमा कर दो, विनती करती रही। आखिर जन्मदिन पर नीरजा हाथों में तुलसी माला लेकर कृष्ण के पास गई। अपने मनमोहन कृष्ण को नीरजा की आंखें ढूंढ रही थी। अचानक पीतांबर धारी दिव्य मुस्कान लिए हुए भगवान सम्मुख आ गए। विश्वास नहीं हुआ उसे। नीरजा ने जो पीला रेशमी वस्त्र स्वयं बुना था भगवान ने वही पहना था। सुधबुद खोकर नीरजा खड़ी रह गई। निर्निमेश से कांपते हाथों से माला लिए थी। भगवान ने तनिक थपथपाया मानो जाग उठी और माला पहना दी। उस दिन की प्रथम माला नीरजा की थी। आज उसका सपना सच हुआ। कृष्ण को निहारती नीरजा सोचती रही, मैंने भी तो बिल्कुल ऐसे डिजाइन, ऐसी ही कढ़ाई वाले वस्त्र का सपना देखा था और भगवान बिल्कुल वैसे ही वस्त्र पहने हैं। सब गोपियों के उपहार भगवान ने स्वीकारे। सब मिलकर हंसते खेलते नृत्य करते रहे। उस आनंद में किसी को समय का बोध ना रहा और ना ही किसी को भूख प्यास लगी। सांझ ढलते गोपियां अपने घर वापस चल दी। अंत में नीरजा भी जाने से पहले कृष्ण को प्रणाम करने गई। नीरजा, तुम दुखी ना हो, मैं जानता हूँ कल तुम्हारी झोपड़ी जल गई। जैसे ही तुम यहाँ आई मैंने गोपों को भेजकर फिर से तुम्हारी झोपड़ी को ज्यों का त्यों तैयार करके नया बना दिया। और हाँ, तुमने जो रेशमी वस्त्र मेरे लिए बनाया था वो जला नहीं। जब तेज हवा चल पड़ी तो वो वस्त्र वहां से उड़ गया। मैं जब जंगल से गऊं चरा कर आ रहा था तो वो एक गाय की पीठ पर आ गिरा। मैंने लाकर उसे अपनी माँ को दे दिया और आज माँ ने जन्मदिन पर मुझे वही वस्त्र पहना दिए। ये तुम्हारा बनाया वस्त्र ही है, जरा ध्यान से देखो। नीरजा ठगी सी स्तब्ध अवाक भगवान को देखती रह गई। आज मैं ये घोषणा करता हूँ, लोग मुझे कई नामों से पुकारते हैं, अब से एक नाम पीतांबर धारी भी होगा। ये नाम भी इस वस्त्र की तरह तुम्हारा ही दिया उपहार है। ये कथा भगवान का अपने सच्चे भक्तों से प्रगाढ़ बंधन दर्शाती है।
भक्त के लिए भगवान सर्वस्व हैं और भगवान के लिए भक्त निष्काम प्रेम का प्रतीक है ये बंधन। ईश्वर करे ऐसी निष्काम प्रेम भक्ति सब में सर्वदा बनी रहे। भगवान मुस्कुराते हुए जगत में आए और मुस्कुराते हुए ही विदा हुए। हम रोते हुए जन्म लेते हैं, कम से कम विदाई के समय तो चेहरे पर मुस्कान हो। कृष्ण की अमिट मुस्कान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने और परमात्मा का प्रेम सबके हृदयों में पूर्ण चंद्रिका बनकर हृदयों से बह निकले। ये प्रेम मेरे बच्चों के हृदयों में सदा बना रहे।
सेंटाफे से डेलस की ओर जाते हुए अम्मा का ग्रुप विचिता पार्क में रात्रि भोज, ध्यान, सत्संग और भजन के लिए रुका। यहाँ एक पार्क में मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। झील के पास ही एक 234 एकड़ पहाड़ी और समतल दोनों प्रकार के मैदान है जो खेलों और पिकनिक के काम आते हैं। भक्तों का एक छोटा सा समूह अम्मा और बसों से पहले यहाँ पहुंचा ताकि अम्मा के पहुंचने से पहले सब व्यवस्थित करके भोजन पकाकर तैयार रखें। एक के बाद एक बसें पहुंचने लगी तो अम्मा के आगमन की संभावना भी बलवती हो उठी। आखिर अम्मा इस समूह से आ जुड़ी और जैसा कि विश्व भर में होता है अम्मा के बच्चे उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। सेंटाफे से डेलस की यात्रा 10 घंटों की है और चूंकि यात्रा का बड़ा हिस्सा पूरा हो गया था और ये सोच करके बच्चे भूखे होंगे अम्मा ने प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। छोटे बच्चों को अम्मा ने सबके मनोरंजन के लिए कहानियां और भजन सुनाने को कहा। सांझ ढलने को थी अतः अम्मा भजन गाने लगी। यात्रा कर रहे सब लोग ऐसे रमणीय प्राकृतिक स्थल पर अम्मा के उत्साहपूर्ण भजनों से रोमांचित हो उठे। ऐसे में अम्मा के सभी बच्चों के लिए ध्यानावस्था में जाना सुगम हो गया था। सारा वातावरण अम्मा के सानिध्य से परमानंद में डूबा था। मंद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अपने बच्चों को आत्मानंद में गहरे ले गई। अभी डेलस पहुंचकर बहुत काम बाकी था इसलिए सब अम्मा के अगले दिन के कार्यक्रम के लिए सोत्साह बसों में बैठकर रवाना हो गए। डेलस
टेक्सस के उत्तरी राज्य में स्थित है। डेलस में भवन निर्माण शैली की बहुत सराहना की जाती है। इस आधुनिक निर्माण शैली में कई प्रकार की शैलियों का समावेश है, जैसे बॉब, गोथिक और रोमानियन आदि। रियूनियन टावर इस नगर का एक और गौरव चिन्ह है। स्थानीय लोगों द्वारा प्रेम पूर्वक द वॉल कहलाए जाने वाला यह टावर 1978 से डेलस के गगनचुंबी भवनों में से प्रमुख है। इसकी बाहरी तेज एलईडी लाइट्स मीलों दूर तक दिखाई देती है, लेकिन इसके भीतर की भव्यता और भी सुंदर है। 470 फुट की ऊंचाई से 360 डिग्री से जो नैनाभिराम डिजिटल फोटो लेने को मिलती है, और इसके भीतरी बाहरी ऑब्जर्वेशन डेक से आप किसी भी दिशा में मीलों दूर तक देख सकते हैं। दिन हो या रात, डेलस का रियूनियन टावर सबके लिए दर्शनीय है। अम्मा रात के समय डेलस पहुंची। डेलस के भक्त अपनी प्यारी अम्मा की प्रतीक्षा में खड़े थे। अम्मा के अपने शब्दों से कि हम लोगों को एक प्रेम भरी दृष्टि, एक मधुर मुस्कान, करुणा भरे शब्दों और एक स्पर्श मात्र से सांत्वना दे सकते हैं, जिन्हें उन्होंने साक्षात किया है। हमें एक स्पष्ट अनुभव प्राप्त होता है। अम्मा की हर सांस अपने बच्चों के लिए है। आगामी कड़ी में डेलस कार्यक्रम।